आज हमारे पास सैमसंग का मोबाइल आया है, मॉडल है M21। ये फ़ोन डेड है और इसका आज हम CPU करेंगे। CPU उसके अंदर डबल डेगर है और देखते हैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CPU निकालने के लिए हमने जो टेम्परेचर सेट किया है SMD पे वो 320 और एयर हमने सेट किया है 30। और CPU के पास ये कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये हमको निकाल देने हैं। आप निकाल के वापसी भी लगा सकते हैं, इससे हमको जगह मिल जाएगी और हम ब्लेड को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें हमने टिप्स बताया हुआ है। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप ये डबल टेकर CPU ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। CPU हमने अब निकाल लिया है और अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। आप ये अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक पार्ट को अच्छे से मतलब दिखाया है कि किस टेम्परेचर पे कैसे किस तरीके से रैम को अलग करना है, कैसे लगाना है, ठीक है, कैसे ग्लू साफ करना है। तो ये आप वीडियो प्रॉपर देखिए, आपके जो भी डाउट हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसमें आयरन से इसका ग्लू साफ करना है पेस्ट लगा के। तो अब इसमें जो आयरन का जो टेम्परेचर सेट किया है वो 350 पे हमने सेट किया है, और देखिए इसमें आसानी से कितने अच्छे तरीके से ये ग्लू साफ़ हो रहा है, क्योंकि पेस्टेड आईसी में यही प्रॉब्लम रहता है कि ये ग्लू कैसे साफ़ होगा। तो ये देखिए कि आपको किसी भी चीज़ की या कोई भी चीज़ ये होती है सॉल्यूशन चाहिए, केमिकल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, आप आयरन से इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा दबाव देके उसको रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से उसको हल्का हल्का उसके ऊपर घुमाना है। तो ये जो ग्लू होगा, ये जो उसकी बॉले वगैरह होंगी वो भी हमारी एक बराबर हो जाएंगी। फिर इसको एसीटोन से साफ करना है। CPU को किसी को किसी भी स्टैंड में या फिर किसी फ्रेम में इसको अच्छे से फंसा के, और ये ब्रश आता है इसमें अच्छे से इसको क्लीन करते हैं, तो इससे क्या होता है अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब इससे भी आपको जब साफ़ करना है ना, बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से करना है, जिससे जो ग्लू वगैरह फंसा हुआ हो तो वो निकल जाए। CPU और रैम को अलग अलग करेंगे इसमें। इसमें क्या करना है, बीच में ब्लेड को फंसा देना है हल्का सा, और टेम्परेचर रखना है 320 और एयर रखनी है 30, और आपको नीचे की तरफ प्रेस नहीं करना है, वो अपन आप जब हीट करोगे तो हल्का हल्का अपना आपको खुलने लगेगा। बहुत हल्के हाथ से इसको निकालना है जिससे प्रिंट वगैरह कोई डैमेज ना हो। अब ये देखिए हमारी ये जो रैम और CPU है दोनों अलग अलग हो चुके हैं। CPU के वो अब साफ़ कर लेंगे। ये आयरन का टेम्परेचर मैंने 350 रखा है, अब मैं इसमें हल्का सा फ्लक्स लगा के इसको क्लीन करूँगा। ये मैंने फ्लक्स लगा दिया है।
अब मैं इसको आयरन से इसकी एक एक बॉल को अच्छे से क्लीन करूँगा, जहाँ पे मुझे ग्लू दिखाई दे रहा है उसको मुझे अच्छे से साफ करना है। अब हम CPU और RAM को एसीटोन से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब बोर्ड की हम क्लीनिंग कर लेंगे, इस पे जो पेस्ट लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। आयरन का टेम्परेचर मैंने 350 पे सेट किया है, और आप कौन सा आयरन यूज़ करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जैसे कि आप बोर्ड क्लीन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पास में जो कंपोनेंट वगैरह छोटे छोटे लगे रहते हैं ना, तो उसे आयरन बचा के निकालना है, मतलब बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और जितनी भी इसकी बॉलें हैं ये सब एक सार हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, तो इस तरीके से आपको क्लीनिंग करनी है। कहीं पर भी पेस्ट छूटा ना रहे, क्योंकि अगर पेस्ट छूटा रहेगा तो IC जब आप बिठाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं बैठेगी, तो आपका CPU इतनी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। आप डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करिए, और ये जो बॉलें रहती हैं आयरन से जैसे एक सार नहीं हो पाती हैं, तो डिसोल्डरिंग वायर से एकदम बराबर हो जाती हैं। और डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना ये डिसोल्डरिंग वायर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसको, यानी कि प्रेशर मीन्स दबाव देके इसको ज़्यादा मतलब नहीं रगड़ना है, नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपस की जो नीचे की जो बॉलें होंगी आपस में मिल जाएंगी। PCB को अब हम क्या करेंगे, अब एसीटोन से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर हमने बोर्ड की क्लीनिंग कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ा बहुत ग्लू रह जाता है बोर्ड के ऊपर, तो हमने 200 टेम्परेचर सेट किया है SMD पे, और 30 एयर पे हमने इसमें 11 नंबर की ब्लेड से इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं कि कोई अगर कहीं पे पेस्ट रह गया हो तो वो अच्छे से साफ हो जाए। हमने जो CPU और RAM को एसीटोन में रखा था उसको लगभग 13 से 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से क्लीन हमने कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और ये PCB को अच्छे से डिसोल्डरिंग विक से क्लीन करने के बाद हम इसको एसीटोन से क्लीन करेंगे। PCB में हमारे कुछ पॉइंट टूट गए हैं और इनको हम चेक करेंगे कि वो काम कैसे होंगे। हमने ये चेक किया है, तो इसमें हमने ये जो हमारे पॉइंट टूटे हुए हैं ये ग्राउंड है, तो इनसे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम रैम और सीपीयू दोनों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उनकी जो एक एक पॉइंट्स हैं, एक एक बॉल है, उसको अच्छे से ग्लू साफ कर लेंगे। अब मैंने इनकी बॉल साफ करने के लिए एक बारीक आयरन का यूज़ किया है इसमें। अब मेरे को इसमें एक एक बॉल को अच्छे से क्लीन करना है, और आप इसमें सोल्डर पेस्ट लगा के, जिसे पीपीडी भी बोला जाता है, उसको लगा के अच्छे से एक एक बॉल को वन बाय एक एक बॉल अच्छे से आपको क्लीन करनी है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये क्लीनिंग करने के बाद इसको आपको एसीटोन से क्लीन करना है, और फिर आपको चलिए के चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें जो बॉल्स है ना, इसमें आपको 11 नंबर प्लेट से अच्छे से इसको क्लीन कर देना है, कोई पेस्ट वगैरह कुछ ऐसे कुछ भी इसमें आपको लेकर बिल्कुल साफ होना चाहिए, बहुत साफ होने से इसको। जिस तरीके से हम ये पीपीडी को इसमें अच्छे से लगा रहे हैं, इसी तरीके से आपको चारों तरफ इसमें अच्छे से लगा देना है। फिर किसी कपड़े से इसको, या फिर वो आता है ना एक क्लोथ आता है जिससे हम फोल्डर वगैरह साफ़ करते हैं, मतलब किसी साफ कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, और फिर इसको आपको रिवॉल्व करना है। अब इस पर देखिए मैं हीट कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपको ना ये बहुत ज़्यादा पास रह के एकदम हीट नहीं मारना है, इसको थोड़ा गैप रखना है, और जिस तरीके से देखिए मैं कर रहा हूँ आपको इस तरीके से करना है। धीरे धीरे बॉले बनेंगी और ये सारी बॉले कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। Oh,
अब CPU को रिवॉल्व करेंगे। इसमें हमने आपको जब CPU रिवॉल्व करेंगे तो आपको स्टेंसिल और बॉल्स देख लेना कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक्यूरेट बैठ जाए, और उसके बाद आपको सोल्डर पेस्ट को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा PPD होता है, सोल्डर पेस्ट होता है, उसको आप किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए। जब आपकी IC रिवॉल्व हो जाएगी तो आपको क्या करना है, 11 नंबर का ब्लेड लेना है और इसमें ब्लेड को हल्का सा टेढ़ा करके इसको कट कर देना है। बॉले हैं, बॉल्स कट करने के बाद आपको दोबारा से PPD लगाना है और फिर दोबारा से इसकी बॉले बनानी है। अब हम CPU को लगाएंगे। CPU में हमारे को जो हीट रखना है वो रखना है 320 और एयर रखना है 30, और हमारे को गन को एक जगह रोक के होल्ड करके नहीं रखना है, चारों तरफ उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली घुमाना है। Thank you.
को रिबॉल कर लेंगे सेम टेम्परेचर पे, और फिर उसको भी सेम टेम्परेचर पे हम लगा देंगे। लगा दिया था, एक बार उसका डीसीपी रेटिंग चेक कर लेंगे, 128 से 130 रेटिंग आएगा तो हमारा सीपीयू सही लगा हुआ है। उसके बाद हमें रैम को लगाना है। फाइनली हमारा सीपीयू लग चुका है, चलिए फोन को चेक करते हैं। दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो तो ऑन हो चुका है, लेकिन हमारे इसमें फ़ोन के अंदर लाइट का भी प्रॉब्लम है, तो इसकी आईसी हम लाइट आईसी को निकाल के दोबारा से रिवॉल्व करके लगाएंगे। Oh,
आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। We'll be right back.